हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइमा जुटेक चैनल में। तो चलिए आज के हमारे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे साइमा जुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री वीडियो पीडीएफ और क्विज को डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप आगे की जो जानकारियाँ वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक की तरफ या आगे के क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारे पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो जनरल साइंस के टॉपिक से हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि काला आजार नामक रोग का रोग वाहक है, ठीक है। काला आजार जो रोग होता है वो एक स्किन स्किन बीमारी होती है, यानी कि जैसे कि त्वचा में एक बीमारी होती है स्किन में, तो ये कालाजार नामक रोग होता है। इसका एक रोग वाहक होता है। रोग वाहक का मतलब होता है जो इन चारों में से एक कोई भी, जो जैसे कि रेत मक्खी हो गई, सीसी मक्खी हो गई, नॉर्मल फ्लाई हो गई, लीशमानिया डोनोवानी हो गई, ये क्या होते हैं, ये एक छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जीव होते हैं, जिनके द्वारा ये रोग फैलता है उसको हम क्या कहेंगे, रोग वाहक कहेंगे, ठीक है। काला आजार नामक रोग की रोग वाहक कौन सा है, लीशमानिया डोनोवानी, रेत मक्खी या सीसी मक्खी या मक्खी। यहाँ पे इसका आंसर होगा काला आजार नामक रोग का रोग वाहक जो होते हैं वो होते हैं रेत मक्खी, ठीक है। जो रेत मक्खियाँ होती हैं वो क्या काम करती हैं, काला आजार रोग का जो रोग रोग का जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या करती हैं, अपने साथ में लेकर आती हैं और उनको किसी स्वस्थ व्यक्ति पर क्या कर देती हैं, किसी स्वस्थ जीव जंतु पर उस पर इन्फेक्शन फैला देती हैं, ठीक है। तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाता है, रेत मक्खी, ठीक। नेक्स्ट आता है डिक्टियोसोम क्या होते हैं, तो डिक्टियोसोम वो होते हैं जो प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें अकशेरुकी के गोल्गी उपकरण होते हैं जिनको हम डिक्टियोसोम कहते हैं, यानी कि प्लांट्स के जो गोल्गी अपरेटस होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, डिक्टियोसोम, ठीक है। प्लांट्स के जो गोल्गी अपरेटस होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं जैसे कि पादप कोशिका के गोल्गी उपकरण या पादप और निम्न अकशेरुकों के गोल्गी उपकरण, ठीक है। अकशेरुकी और कशेरुकी तो आप जानते ही होंगे, अकशेरुक जंती वो जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है, कशेरुक जंती वो जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है। पादप निम्न अकशेरुक व जंतु कोशिका के गोल्गी उपकरण, यानी कि निम्न अकशेरुक और जंतु कोशिका के गोल्गी उपकरण डिक्टियोसोम कहलाते हैं, या फिर प्रोकैरियोट्स में गोल्गी उपकरण समान संरचना में होते हैं। तो डिक्टियोसोम जो होते हैं वो प्लांट्स के और अकशेरुक यानी कि इन वर्टिब्रेट्स के गोल्गी उपकरण कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, गोल्गी उपकरण कहलाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का इसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, इसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है। फाइब्रिनोजन, विटामिन के, प्रोम्बिन और हेपेरिन, चलिए बताइए। देखिए, फाइब्रिनोजन जो होता है ये एक रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, फाइब्रिनोजन, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन के जो होता है इससे भी रक्त का थक्का बनता है, ठीक है, विटामिन के से भी क्या होता है, रक्त का थक्का बनना, ठीक है। और प्रोम्बिन जो होता है वो भी रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो तीनों हैं ये रक्त का थक्का को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब हेपेरिन जो होता है ये रक्त के वाहिकाओं में होता है, रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का ना बने, ठीक है। हेपेरिन जो होता है ये ब्लड को क्या करता है, बहुत बहुत ज़्यादा थिन यानी कि पतला करता है, जिसकी वजह से जो रक्त वाहिकाएं होती हैं यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स में क्या हो, जो ब्लड है यानी कि जो रक्त है वो इकट्ठा ना हो, जिसकी वजह से रक्त वाहिकाएं ब्लॉक ना हो, और ब्लॉक ना हो तो उससे क्या होगा कि रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हेपेरिन, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेपेरिन। भारी तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात बढ़ने पर उनका स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कुछ भी नहीं होता है। देखिए, भारी तत्वों के जो नाभिक में, जैसे आप लोगों को पता ही है कि एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर के कक्षक पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ये तो सबको पता है। इसमें क्या होता है कि भारी तत्वों के जो नाभिक होते हैं इनमें न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो अनुपात होता है, ठीक है, अनुपात यानी 9 न्यूट्रॉन रेशियो प्रोटॉन, ठीक है, यानी कि n / p भी हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, भारी तत्व जो होते हैं इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात क्या होता है, बढ़ने पर, अगर अनुपात बढ़ेगा तो उनका स्थायित्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, क्या करने लगेगा, स्थायित्व में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अगर इनका स्थायित्व कम होगा, ठीक है, अनुपात अगर कम होगा, एन अनुपात पी कम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रति न्यूक्लियॉन जो प्रतिबंध होते हैं, ठीक है, जो जो बंधन होते हैं, ठीक है, प्रति न्यूक्लियॉन जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा होने पर नाभिक का स्थायित्व अधिक हो जाता है, ठीक है। प्रति न्यूक्लियॉन जो होते हैं उनमें नाभिक का जो स्थायित्व होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें कि भारी तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात बढ़ाएंगे तो उनका स्थायित्व क्या होगा, तो यहाँ पर स्थायित्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी भारी तत्वों के नाभिकों में स्थायित्व जो है वो हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यदि U 238 नाभिक को समान भागों में विभाजित करें तो उत्पादित दो नाभिक क्या होंगे, रेडियोधर्मी होंगे, स्थिर होंगे, या समस्थानिक होंगे, या समभारिक होंगे। इसका आंसर क्या होगा, देखिए रेडियोधर्मी, स्थिर, समस्थानिक, समभारिक, क्या होगा, देखिए U 238 एक अस्थिर परमाणु है, ठीक है, ये क्या है, U 238 क्या है, अस्थिर परमाणु है, ठीक है, स्थिर नहीं है, ठीक है, अस्थिर परमाणु है या अस्थिर परमाणु नाभिक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान संख्या वाला नाभिक स्थिर होता है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाता है, ये क्या होते हैं, समान संख्या वाले होते हैं, ठीक, समान संख्या वाले होते हैं। तो इनको दो समान भागों में अगर हम विभाजित करेंगे तो विभाजित करने पर क्या होगा, ये स्थिर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों के जो संख्या है वो क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, जिसकी वजह से U238 क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी कि स्थिर हो जाएगा। तो जो उत्पादित दो नाभिक जो बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, स्थिर बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, स्थिर बनेंगे। बायोचिप में क्या होता है, देखिए बायोचिप क्या होता है, बायोचिप में आरएनए होता है, डीएनए होता है, आरएनए डीएनए प्रोटीन होता है, या आरएनए और डीएनए और प्रोटीन होता है। देखो एक जो बायोचिप होती है ना वो एक अर्धचालक के जैसे काम करती है, ठीक है, किसके जैसे काम करती है, अर्धचालक के जैसे। जब वो अर्धचालक के जैसे एक काम करेगी जिसमें जैसे कि अर्धचालक तो आप लोग जानते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है, तो अर्धचालक में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट के स्थान पर यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कौन से पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जो है उनका उपयोग किया जाता है, कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ ही डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और प्रोटीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बायोचिप में क्या होता है, तो बायोचिप में आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, और प्रोटीन भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा डीएनए की खोज किसने की थी, सबसे पहले डीएनए का मॉडल किसने दिया था, तो वॉटसन और क्रिक ने दिया था, ये याद रखिएगा, वॉटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। अब इनके फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा, आरएनए के जो बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आरएनए में चार बेस होते हैं, ए जी सी यू, ठीक है, ए जी सी यू, और डीएनए में चार बेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ए जी सी टी। अब ए जी सी यू और ए जी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है, और थायमिन, ठीक है। सेम आरएनए के भी होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और यू केवल चेंज हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल। बाकी हमारे डीएनए आरएनए के जो बेस होते हैं वो एकदम सेम होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, रेडियो सक्रियता क्या होता है। देखिए जब भारी नाभिक जो होते हैं, जितने भी भारी नाभिक होते हैं, उन भारी नाभिक में आप लोगों को पता ही होगा नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो भारी नाभिक में स्वतः ही यानी कि अपने आप ही रेडियोधर्मी विकिरण जो होती है, रेडियोधर्मी विकिरणों का उत्सर्जन होने लगता है, ठीक है। रेडियोधर्मी विकिरण कौन कौन सी होती हैं, यानी रेडियोधर्मी जो रेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो वो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा जो रेज होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, रेडियोधर्मी विकिरण होती हैं। तो इनका एक्सक्रेशंस, ठीक है, इनका क्या एक्सक्रेशन, या अगर हम कहें उत्सर्जन, ठीक है, या हम कहें उत्सर्जन,
ही रेडियो सक्रियता कहलाता है। ठीक है, रेडियो सक्रियता क्या कहलाता है कि भारी नाभिकों में से रेडियो धर्मी विकिरणों का उत्सर्जन करना ही रेडियो सक्रियता कहलाता है। ठीक, इसको खोजा किसने था, 1896 में हेनरी बेकुलर ने। ठीक है, कब किसने खोजा था, हेनरी बेकुलर ने यूरेनियम के, ठीक है, किसके, यूरेनियम के नमूने से रेडियो सक्रियता प्राप्त की थी। किससे की थी, यूरेनियम से रेडियो सक्रियता प्राप्त की थी हेनरी बेकुलर ने 1896 में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें क्यूरी दंपत्ति, तो क्यूरी दंपत्ति ने रेडियम की खोज की थी। क्यूरी दंपत्ति ने किसकी खोज की थी, रेडियम की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने परमाणु क्रमांक जो 82 था, ठीक है, उससे अधिक के जो परमाणु क्रमांक थे उसके बारे में इन्होंने रेडियो सक्रियता को बारे में बताया था। जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, नेपच्यूनियम हो गया और पोलोनियम हो गया। इस तरीके से यहाँ पे हेनरी बेकुलर ने रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था, जो उन्होंने कहा कि जो परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर के हैं उनमें रेडियो सक्रियता देखी गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि विश्व का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था। ठीक है, विश्व का पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक सेकंड, अपोलो 11। ठीक है, क्या है, अपोलो 11, यानी अपोलो सेकंड या अपोलो, हाँ अपोलो सेकंड ही है। क्या है ये, अपोलो सेकंड। विश्व का, देखिए भारत का नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है। तो देखो विश्व का अगर हम देखें तो वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड का सबसे पहला, जो सबसे पहला बताइए, आर्यभट्ट है, स्पुतनिक फर्स्ट है, स्पुतनिक सेकंड है, अपोलो। वर्ल्ड का जो पहला मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल उपग्रह जो है वो कौन सा है, स्पुतनिक फर्स्ट। कौन सा है, स्पुतनिक फर्स्ट है, जिसे, जिसको किसने प्रक्षेपित किया था, यानी कि जिसको किसने बनाया था, तो इसको सोवियत संघ यानी कि रूस, ठीक है, जिसको सोवियत संघ रूस द्वारा, रूस के द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था, 1957 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, अगर हम स्पुतनिक सेकंड की बात करें तो स्पुतनिक सेकंड की सहायता से इन्होंने क्या किया था, पहला जंतु भेजा था, ठीक है, मादा कुत्ता। ठीक है, क्या भेजा था, मादा कुत्ता, यानी कि फीमेल डॉग, है ना, मादा कुत्ता भेजा था। तो अंतरिक्ष में इसको भेजा गया, लेकिन क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि स्पुतनिक सेकंड में हमने जो स्पुतनिक सेकंड था वो स्पुतनिक फर्स्ट के बाद भेजा गया था, जिसमें एक जानवर को रखा था, यानी कि जंतु को रखा था, जिसमें जंतु कौन था, मादा कुत्ता था, ध्यान रखिएगा। इसको कक्षा में भेजा गया था, कक्षा में भेजने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा विश्व का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह अगर हम देखें तो कौन सा होगा, स्पुतनिक फर्स्ट। न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, JAXA, इसरो, नासा, CSA। देखिए न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के तहत वर्ष 2006 में, ठीक है, सबसे पहले इस प्रोग्राम के तहत 2006 में प्लूटो का अध्ययन करने हेतु, प्लूटो का किसका अध्ययन किया था, प्लूटो उपग्रह जो है प्लूटो का अध्ययन करने हेतु एक न्यू होराइजोन्स, ठीक है, न्यू क्या, होराइजोन्स को प्रक्षेपित किया था, होराइजोन्स को प्रक्षेपित किया था। तो अब ये न्यू होराइजोन्स को 2006 में प्रक्षेपित किया था, किसके द्वारा किया गया था, ये न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के द्वारा किया था। न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम हमारा नासा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, नासा के द्वारा। नासा की स्थापना कब हुई थी, नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिए नासा के द्वारा क्या किया जाता है कि बाहर के जो ग्रह होते हैं, जैसे कि प्लूटो हो गया, बृहस्पति हो गया, आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका, बहुत सारे जो उपग्रह होते हैं उन अलग अलग उपग्रहों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये तो बहुत ईजी है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम अगर हम देखें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम स्पेस का वहाँ पर रिसर्च करते हैं। इसरो की स्थापना अगर हम देखें तो ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त
1969 को, ठीक है, 1969 को की गई थी। इसरो के अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है, डॉक्टर एस सोमनाथ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और यहाँ के प्रथम, सॉरी प्रथम यानी वर्तमान के, प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक। एल निको नामक मिश्र धातु का निर्माण कौन सी धातु द्वारा होता है? एल निको नामक मिश्र धातु का निर्माण किस धातु के द्वारा होता है? निकिल, कोबाल्ट, लोहा या उपयुक्त सभी। देखिए, निकिल, कोबाल्ट, लोहा या उपयुक्त सभी। एल निको जो मिश्र धातु है, ठीक है, एल निको मिश्र धातु, मिश्र धातु आप लोग जानते होंगे जो बहुत सारी धातुओं का मिक्सचर होती है, तो एल निको जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, निकिल, लोहा और कोबाल्ट, ठीक है, एल्यूमिनियम, निकिल, लोहा और कोबाल्ट से बनी हुई मिश्र धातु है, ठीक है, क्या है, मिक्स धातु है, जो ये कठोर चुंबकीय धातु जो होती है, बहुत इसको हम एल निको जो होती है ये चुंबकीय धातु होती है, कौन सी होती है, चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक मेटल, मैग्नेटिक मेटल, ठीक है, चुंबकीय धातु होती है। इसका उपयोग अगर हम देखें तो इसका उपयोग चुंबक के रूप में भी किया जाता है, विद्युत मापक यंत्रों के रूप में भी किया जाता है, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी को जिस चीज़ों से मेज़र करते हैं उनके, जैसे कि वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, वोल्ट मीटर में भी इसका उपयोग किया जाता है, टेस्टर, अर्थ टेस्टर जो होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, एमीटर जो होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, जनरेटर, डीसी जो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर जो होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हुआ, एल निको नामक मिश्र धातु का निर्माण कौन कौन सी धातु से होता है, निकेल, कोबाल्ट, लोहा और एल्यूमिनियम, यानी कि उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और जो एल निको नामक मिश्र धातु है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये एक चुंबकीय धातु होती है, चुंबक के रूप में यूज की जाती है, वोल्ट मीटर, अर्थ टेस्टर, अमीटर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर जो होते हैं इन सब सभी में एल निको धातु का, मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है, यहाँ पे कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा कौन से कोयले में पाई जाती है, ठीक है, तो देखिए, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, पीट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 98% शुद्ध कोयला, यानी 94 से 98% शुद्ध कोयला अगर हम देखें तो वो आता है हमारा एंथ्रासाइट कोयले में, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला जो है वो सर्वश्रेष्ठ कोयला कहलाता है, क्या कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ कोयला कहलाता है। ये बिना धुएं के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देता है, ठीक है, यानी कि इसमें धुआं बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी कि होता ही नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि उच्च तापमान पर होता है, हाई टेम्परेचर उत्पन्न करता है। यह कोयले के निष्कर्ष से सबसे अंत में प्राप्त होता है, यानी कि जब कोयले का निष्कर्ष किया जाता है तो ये सबसे आखिरी में निकलता है, ठीक है, सबसे लास्ट में ये निकलता है, ठीक। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, एंथ्रासाइट की होती है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है या अविभाज्य कण परमाणु कहलाते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं, उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं, केवल एक या केवल दो या केवल एक और दो दोनों या केवल या उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिनको अविभाज्य कण परमाणु कहते हैं। अगर एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं, देखिए दोनों के दोनों कथन जो है यहाँ पे सत्य ही है, क्यों, देखो पहले कोई भी पदार्थों का हमारे छोटे 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 एलिमेंट से मिलकर बनता है, ठीक है, छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनता है ना, तो ये एक पदार्थ बन गया पूरा, तो हमारा ये पहला कथन जो था वो सही हो गया। दूसरा कथन है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु हैं वो गुणों में समान होते हैं। जब एक ही एलिमेंट के जो परमाणु हैं, एक ही एलिमेंट के जो परमाणु होंगे तो वो क्या होंगे, समान ही होंगे ना, सेम ही होंगे, उनके गुण भी सेम होंगे, तो ये कथन भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है कि एक व दो दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में, परमाणु जो होते हैं उनके गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं वो समान होते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो अणु बनते हैं या यौगिक का निर्माण करते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा, सबसे ईजी है हमारा।
इसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोल का परमाणु मॉडल, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्लम पुडिंग, ठीक है, प्लम पुडिंग नाम है इसका। तो प्लम पुडिंग जो है वो है हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। इसको रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिन पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसके अनुसार अगर हम देखें तो परमाणु जो होते हैं वो धनावेशित गोले का रूप होते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं, धनावेशित होते हैं, ठीक है, धनावेशित गोले का रूप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इनमें धसे हुए होते हैं या फिर कक्षाओं में रहते हैं, ठीक है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, यानी कि जो धनात्मक आवेश होते हैं और ऋणात्मक होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी सेम होते हैं, ठीक है। और परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, ठीक, यानी कि जो परमाणु है इसमें विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीय रूप से ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सॉरी, हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो क्षार कौन से पदार्थ होते हैं? क्षार वह पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देता है, जो प्रोटॉन देता है या प्रोटॉन ग्रहण करता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्षार अम्ल, एसिड और बेस जो होते हैं, ठीक है, एसिड और बेस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो एसिड और बेस को हम एक पीएच स्केल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल में एक पॉइंट होता है जिस 7 पे, और एक हमारा पूरा पीएच स्केल 14 तक होता है, ठीक है। 0 से लेकर 7 तक पीएच नंबर जिनका आएगा वो एसिड होंगे, ठीक है, और 7 से लेकर 14 तक जिनका आएगा वो क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बेस के बारे में, ठीक है। तो बेस क्या है? बेस प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस का सिद्धांत आप लोगों ने सुना ही होगा, आर्हेनियस का सिद्धांत, ठीक है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्षार वो पदार्थ होते हैं जो जलीय घोल में, ठीक है, यानी कि वाटर के घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? वाटर के घोल में कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। और ब्रॉन्स्टेड लोरी के सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें, ब्रॉन्स्टेड लोरी लॉरी के सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो क्षार वो पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। क्या करते हैं? प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर कि प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्षार क्या काम करता है? प्रोटॉन ग्रहण करने का काम करता है, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो पढ़ेंगे हम हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।